हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज हो गई है डेट 14 दिसंबर 2021। और अभी टाइम आप लोग देख सकते हैं, बज रहे दिन के 11:30 बज गए। और अभी मेरा व्लॉग रेंडर हो रहा है, मम्मी लोग बात कर रही हैं अपना। और अभी ये हुआ है 32% हुआ है मैक्सिमम। और उसके बाद अभी इसको अपलोड भी करना होगा। अपलोड करने के बाद फिर मैं जाऊँगा नहाऊँगा। और मेरा तो मतलब 2 दिन से व्लॉग, कल का भी व्लॉग यहीं पर स्टार्ट हुआ, यही वीडियो कल अपलोड हो रही थी, आज रेंडर हुई है। तो अब देखते हैं आगे कब तक कैसे होता है। तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो अब वो करने में, मतलब एडिट करने में, क्योंकि कल मैं टाइम पे सो गया था, शायद से नहीं टाइम पे नहीं सोया था, पर मन नहीं कर रहा था कल एडिट करने का। मैंने एक फाइल से बनाई थी, कंपोज कर दी थी पूरी फाइल में सारे वीडियोस, पर एडिट नहीं किया था। तो एडिट कर लिया, 1 घंटा लगा मुझे करने में। अभी रिव्यू करूँगा, फिर उसके बाद वही 12-15 तक व्लॉग अपलोड हो जाएगा मेरा। और ये मेरा पहला व्लॉग होगा, आप लोग को लगेगा कि पहला व्लॉग वो था, नहीं पहला व्लॉग ये डेली व्लॉग चैलेंज का है मेरा। तो अब ऐसे ही 30 दिन तक मेरे व्लॉग्स आएंगे। तो अब हम अपलोड करने के बाद, नहाने के बाद आपसे मिलते हैं अब दोबारा। तो गाइस फाइनली सारा काम कर दिया है मैंने, और अभी टाइम देख रहे हो 2:30 बजने वाले हैं। और मेरे शेड्यूल की पूरी लगी हुई है, इतना लेट सर नहाना काम करना। और अभी खाना खा रहा हूँ मैं, सब लोग खा चुके हैं घर में। और ये है मेरा खाना, ये दाल और ये चावल और ये सब्जी पत्ता गोभी की है। और पत्ता गोभी की सब्जी भाई गजब लगती है। तो अब मैं खाना खा के फिर शाम को बैठूँगा स्केच बनाने। तो हम लोग मिलते हैं खाना खाने के बाद। सो हे गाइस, अभी बज गए शाम के 5 और बीबी मैं घर ही पर पड़ा हूँ, कहीं नहीं जाना है। मम्मी और पापा गए मार्केट और दीदी है बस घर में, मैं हूँ। और अकेले क्या करें, स्केच बनाएंगे। और मैंने दोपहर में खाना खाने के बाद कुछ ज़्यादा नहीं किया, गेम खेला, आराम किया बस। और वो करते समय मुझे एक चीज़ बस मन में आया, शायद आप लोग भी उससे रिलेट करेंगे। तो दरअसल बात यह है कि जब हमारे एग्ज़ाम्स चलते हैं, बहुत लोग के एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए होंगे अभी और बहुत लोग के चल रहे होंगे, तो मुझे आप लोग एक चीज़ बताया, एग्ज़ाम जब चल रहे होते हैं आपके घर में ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आपको लगता होगा कि अभी इसको छोड़ देते हैं हम लोग, बाद में एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग ये सारे काम करेंगे। बहुत इंटरेस्ट हो जाता है आपके बगल में, एटमोसफियर में इतनी सारी चीज़ें चलती है ना, आपको लगे कि मैं भी करूँ। पर जैसे ही वो एग्ज़ाम ख़त्म होता है ना, उसके बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, वो इमोशन ही ख़त्म हो जाता है आपके अंदर। लगता है इससे बढ़िया तो एग्ज़ाम ही चल रहे थे, तो कम से कम माइंड एक जगह था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ, मेरे घर में जब मैं पेपर चला था, मेरे घर में शादी पड़ी और फिर उसके बाद स्केच बनाने का बहुत मन करता था, अभी भी है, पर उतना नहीं जितना उस समय चलता था। उस समय तो लगता था कि अभी 1 घंटा, आधा घंटा बना लिया, फिर कल आधा घंटा बना के वैसे जिराफ वाला स्केच मैंने कंप्लीट किया था। पेनी वाइज तो मैंने कम से कम 4 दिन पहले पेनी वाइज की आउटलाइन बनाई, फिर शेडिंग किया, फिर छोड़ दिया उसको एकदम, आधा बना के उसको छोड़ दिया, फिर आधा बाद में एंड में कंप्लीट किया। इस वजह से थोड़ा अजीब लगता है वो, एक जगह मन नहीं लगता उस समय। तो अब मैं वो सब करने का मन ही नहीं करता है, सोने का मन करता था जब पेपर चलता था, टीवी देखने का, मोबाइल चलाने का, पर अब वो सब कुछ नहीं करता, एकदम मन एकदम खाली हो गया है। और हाँ, बाहर घूमने का मन उस समय था, अभी भी है, पर बाहर घूमने कहाँ जाएँ तो जाएँ कहाँ, बनारस में तो मैक्सिमम सारी जगह कवर की है। अब देखते हैं क्या होता है। और अभी तो मैं जिंक्स का स्केच बना रहा था, जो बना रहा था वो एकदम ख़राब हो गया, मतलब A4 में बना रहा था ना, तो मेरी आदत हो गई A3 वाली, तो मैंने उससे मिटाया अपने इलेक्ट्रिक रेजर से, तो वो फट गया पेपर। तो अभी दूसरा इमेज सेलेक्ट किया है, उसी को बना रहा था मैं। तो अब मिलते हैं हम लोग स्केच बनाने के बाद। सो ये गाइस फाइनली शाम के 7:30 बज रहे हैं और कुछ करने को है नहीं अभी। स्केच आप सोच रहे हैं स्केच क्यों नहीं मैंने दिखाया, क्योंकि पहला वाला तो फट गया था, ऑब्वियसली फट गया तो मैंने फेंका। दूसरे वाले में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। कभी आप लोग कोई काम करें उसके बीच आपको एक एक फ्रस्ट्रेशन होने लगे, और भी ऐसे ऐसे बात नहीं, बहुत पुरानी बात को लेके। अब मुझे पता नहीं कैसा, मैं वो आपको बात नहीं बता सकता। मैं स्केच बना रहा था, बनाते बनाते क्या वो ठीक ही बन रहा था, लिटरली बहुत ठीक हो गया था वो, पर मुझे फ्रस्ट्रेशन पता नहीं क्या बात थी, मुझे अभी भी याद नहीं आ रही। और मैंने वो स्केच ख़राब कर दिया, बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया। बीच में चारकोल पेंसिल चला था, चारकोल पेंसिल जहाँ तक कि आप लोगों को पता होगा वो मिटती नहीं है, एक बार लगा दी तो मिटेगी ही नहीं आपसे। तो वही हुआ मेरे साथ, मैंने चारकोल पेंसिल लगाई थी, तो उसके बाद इतना वो ख़राब बन गया कि मुझे देख के अजीब लग रहा था, मैंने फाड़ दिया उसे। तो अभी मैं अपना बिस्तर ही साफ़ कर रहा था, ये देखो, ये है मेरे साइंस का पेपर, बोर्ड का है,
एक पन्ने का पेपर नहीं था, पेपर बहुत मोटा था पर स्टेपल बहुत कमज़ोर था, निकल गया। और ये सब मैं बिस्तर ऐसे ही कूड़ा रहता है, ये देखो ये नीडेबल इरेजर है इस बिस्तर पे मेरे, और ये मेरे आर्ट सप्लाइज है, मैक्सिमम मैं इन सबको इसी चीज़ में रखता हूँ कूड़े की तरह। ये बर्गर किंग का नैपकिन है, वो शेडिंग फेस शेडिंग के लिए रखा रहता है मैंने, काफ़ी कूड़ा हो जाता है। अभी साइंस की बुक भी पड़ी है यहीं पर टेबल पर। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप लोग पेंसिल छील रहे हैं कोई, तो आप लोग मतलब एकदम मिड में है आप लोग, मतलब रात वात हो रही है बाहर नहीं जा सकते हैं, तो आप लोग ऐसा ही बॉक्स कैरी करें, इसमें आप ये रख सकते हैं। गए मैंने A3 शीट निकाल के रखा हुआ है, इस पर अब हम लोग किस कोई स्केच बनाएंगे, फॉक टूट गया नहीं बच गया, तो इस पर हम लोग कोई स्केच बनाएंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई करने में क्या ही जाता है। तो अब देखते हैं कैसा स्केच बनेगा। फाइनली बिस्तर तो लगभग हो ही गया था, बस अब एक ही दो सामान है, और ये जगह कूड़ा हो जाती है ना, तो फिर मम्मी यहाँ से हटा के सब मेरे बिस्तर पे कर देती हैं। तो अभी हम लोग इसको ऐसी साइड में रखते हैं। तो गाइस अब पता ही कहीं जाना होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और अब तो कुछ करने को रहा नहीं, तो होपफुली अब इस ब्लॉग को एंडिंग कर देते हैं। तो आप होप है कि आप लोग को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देगा, और ब्लॉग को शेयर करना है तो करिएगा वरना मत करेगा। तो मिलते हैं अब हम लोग अगले ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।